अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान वसीम हसन और आप देख रहे हैं फीलिंग टीवी। गाइस, आज मौजूद हैं हम लोग लाहौर डिवीजन की एक टीम है जो फर्स्ट पंजाब स्ट्रेंथ लिफ्टिंग मैन एंड वेमेन चैम्पियनशिप 2022 जो लाहौर में होने जा रही है उसके कैंप का आगाज़ हो चुका है और यहाँ पर तमाम प्लेयर जो उसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स जितने पाकिस्तान की टीम है ये प्लेयर्स हैं इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आज आपकी मैं मुलाकात करता हूँ तमाम प्लेयर्स के साथ भी और उनकी किस तरह से ये जम कर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं इस चैम्पियनशिप को जीतने के लिए। तो आपकी मुलाकात करवाता हूँ इनके जो हेड कोच हैं, पाकिस्तान के इंटरनेशनल पावर लिफ्टर हैं और इंटरनेशनल नाम इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब अकील भट्ट साहब। तो आइए आपकी मुलाकात कर रहा हूँ सर अकील भट्ट साहब। हम पंजाब स्कूल बोर्ड के तारों से चैम्पियनशिप करा रहे हैं, इसके बाद हमारी नेशनल चैम्पियनशिप है और पाकिस्तान में इंटरनेशनल चैम्पियनशिप हो रही है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, उसके लिए हम टीम तैयार कर रहे हैं। इससे पहले भी हमारी टीम पाकिस्तान की जा चुकी है बाहर वर्ल्ड चैम्पियनशिप पे थाईलैंड में, वहाँ से 4 सिल्वर और 1 गोल्ड मेडल लेकर आई। स्टैंड रिटिंग पाकिस्तान में 3 साल शुरू हुई है जी और इसमें ये एक इंटरनेशनल चैम्पियनशिप करा चुके हैं, उसमें जा चुके, सारे आ चुके हैं, उसमें मेडल आ चुके हैं और जो पाकिस्तान में इसके 2 कॉम्पिटिशन पहले भी हो चुके हैं, अब ये 3री चैम्पियनशिप हो रही है। इसका टैलेंट बोर्ड है पाकिस्तान में, इसमें जो वेट लिफ्टर है, पावर लिफ्टर है, बॉडी बिल्डर है, सब शिरकत करते हैं। इसके 3 इवेंट होते हैं और ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो हमारी हो रही है उसके लिए तकरीबन हमारे 12 लड़के और 4 लड़कियाँ जा रही हैं। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला वो वहाँ से मेडल लेकर आएंगे। तमाम जो खिलाड़ी हैं, जो वेट लिफ्टर हैं, बॉडी बिल्डर हैं, पावर लिफ्टर हैं, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग न्यू गेम है पाकिस्तान में, 3 साल हो चुके हैं इसको। ये बहुत ही अच्छी गेम है और इसमें तीनों टेक्निक इसकी लहदा है, बॉडी वेट कैटेगरी से लहदा है। अगर इसमें ये सारे बच्चे शिरकत करते हैं और ये इस गेम को प्रमोट करते हैं तो ये गेम इसके टूर्स बहुत हैं और ये गेम पाकिस्तान में बहुत जल्दी मकबूल हो रहा है। बहुत एग्रेसिव है और इंशाल्लाह ये जो तैयारी जा रही है इसमें हम बहुत ज़्यादा, मतलब इसके लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। हमारे जो सर हैं हमें बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि हम जो है इसमें मेडल हासिल कर सकें और आजकल भी हमारी जो है वो कैंप लगा हुआ है इसके हवाले से और हम इसके भरपूर तरीके से जो है वो बिल्कुल माशाल्लाह जो हमारे सर अकील भट्ट हैं वो इतनी अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं और इतनी मेहनत जो है टाइम निकाल के स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, तो मतलब उनमें इतनी कैपेसिटी है जो वो जाएं और इंटरनेशनल भी खेल के आएँ और यहाँ पे जो है वो मेडल भी हासिल हो कर सकते हैं जी। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा कैंप लगा हुआ है, यहाँ पे हमारी चैम्पियनशिप हो रही है, फर्स्ट पंजाब स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैम्पियनशिप जो कि नेशनल हॉल जिमनेजियम में हो रही है। और गर्ल्स जो हैं इसमें हमने गर्ल्स के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग कैंप भी कर रहे हैं जो कि इसकी टाइमिंग 5 से 10 है, जो भी गर्ल्स यहाँ पे आना चाहें पार्टिसिपेट करना चाहें मोस्ट वेलकम। बहुत से प्राइजेज हैं जो कि मेडल्स हैं, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्राउन मेडल और उसके अलावा एजाजी शील्ड भी हैं और गर्ल्स के लिए फ्री ट्रेनिंग कैंप है और फ्री एंट्री है। तो ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स को हमारी जो है रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ आएँ और हमारे इवेंट को जो है वो और ज़्यादा अच्छा बनाएं। मेरी टीम जो है वो फुल तैयारी कर रही है, गर्ल्स जो हैं जितनी पार्टिसिपेट कर रही हैं वो बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस कर रही हैं यहाँ पे। मैं खुद भी जो है मास्टर क्लास में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, इसकी 4 क्लासेज हैं, जूनियर, सीनियर और मास्टर। तो जो भी गर्ल्स इसमें जो है वो हर वेट की गर्ल्स जो है वो पार्टिसिपेट कर सकती हैं और आएँ और ज्वाइन करें हमें। मैं शमाइम अकबर है और मैं लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन एंड यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। मैं इस कैंप का हिस्सा हूँ, नेशनल वेटलिफ्टिंग क्लब का एक वेटलिफ्टर हूँ। उसके अलावा मैं ये जैसे अभी आपको बताया शहजादी आपी ने कि हम यहाँ पे एक
इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है सर अकील जवेद भट्ट हमारे इंटरनेशनल वेट लिफ्टर जो है वो इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। इसके चार जो है वो फील्ड्स हैं और मैं अंडर 60 कैटेगरी की वेट लिफ्टर हूँ। इंशाल्लाह पार्टिसिपेट कर रही हूँ और गोल्ड मेडल हासिल करूँगी। और मेरी बाकी गर्ल्स से भी वही अपील है कि आप लोग काइंडली आएँ, हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत करें और हमारे प्रोग्राम को और यादगार और अच्छा बनाएं। स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेरा मैसेज ये है कि ये एक बहुत ही अच्छी गेम है, हम गर्ल्स को इस गेम का पार्ट होना चाहिए क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग नेशन जो होती है वही आगे गर्ल्स को इस गेम का पार्ट होना चाहिए। मैं साथ ही साथ एक स्ट्रेंथ लिफ्टर भी हूँ और जो लड़कियाँ पार्टिसिपेट करना चाहती हैं मैं उनके लिए मेरी ये बात है कि वो आएँ आगे क्योंकि इस गेम का आगे बहुत ज़्यादा स्कोप है और हम गर्ल्स को इस गेम में पार्टिसिपेट करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वसीम अकरम है, मैं स्ट्रेंथ लिफ्टर प्लेयर हूँ और हमारी जो पहली जो पंजाब स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैम्पियनशिप हो रही है उसकी ट्रेनिंग हम सर अकील जवेद भट्ट के अंडर लाहौर डिवीजन में जो कैंप लगा हुआ है उसमें हम ट्रेनिंग कर रहे हैं और इंशाल्लाह 68 बॉडी वेट में मैं सीनियर क्लास में मैं खेल रहा हूँ और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं जीतूंगा और गोल्ड मेडल हासिल करूँगा अपने क्लब के लिए। इंशाल्लाह जी, आपको पता है कि मुकाबला बड़ा टफ है, पूरे पंजाब के लोग आ रहे हैं, इतनी प्रैक्टिस की है या अकील भट्ट ने इतनी मेहनत की है कि आप जीत पाए? जी इंशाल्लाह सर, हमारे सर अकील भट्ट ने हमारे पास हमारे ऊपर बहुत मेहनत की है और हमने इतनी ट्रेनिंग की है कि हम जीत पाएंगे इंशाल्लाह गोल्ड मेडल। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम रोज़ दो टाइम ट्रेनिंग करते हैं, फर्स्ट टाइम सुबह हम जिम में ट्रेनिंग करते हैं, इस टाइम हम अपने क्लब में ट्रेनिंग करते हैं और अच्छी ट्रेनिंग करके जाते हैं। 6 से रात 10 बजे तक हम ट्रेनिंग करते हैं और इसके बाद हम अपनी खुराक डाइट जो है हमने वो बहुत अच्छी रखी हुई है। जी इंशाल्लाह इंसान को अपने आप पर पूरा उम्मीद होना चाहिए, पहले ही मुझसे नहीं मरनी आनी चाहिए, इंसान को पूरा उम्मीद होना चाहिए कि वो इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस कर। मैं 80 वेट में खेल रहा हूँ सब जूनियर, बहुत अच्छी जा रही है, काफ़ी देर मेहनत की है तो इंशाल्लाह आगे अपकमिंग आ रहे हैं इवेंट को इसमें भरपूर करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल हमने बड़ी काफ़ी मेहनत की है तो इंशाल्लाह जरूर 100% देंगे। टफ होगा, सारी बात है, हर शहर हर जगह से है तो अपनी पूरी करेंगे 100% देंगे। बस यही है कि मेहनत करें ज़्यादा से ज़्यादा, अपने बड़ों को देखें किस तरह कर रहे हैं तो इंशाल्लाह ज़रूर आप भी करेंगे। जी तो गाइस, आपने देखा कि इस वक्त हम मौजूद हैं, इस वक्त लाहौर में कैंप लगा हुआ है जहाँ प्लेयर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी बहुत सारे प्लेयर्स ऑन द वे हैं और बुक जा भी चुके हैं और जो लगता है ऐसा है कि जो चैंपियनशिप होने जा रही है जो 25 और 26 को लाहौर में होने जा रही है, इसमें बड़े टफ किस्म के मुकाबले होने जा रहे हैं। और अगर आप समझते हैं कि इनकी डिटेल्स, इन प्लेयर्स की स्ट्रेंथ और इनकी कंपटीशन की प्रोफाइल आपसे डिस्कस करते रहे, उसके लिए आपको करना क्या है, हमारे चैनल फीलिंग टीवी को आपने सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना, शेयर करना चाहिए और साथ साथ आपको बेल आइकन का बटन जरूर पुश कीजिएगा ताकि आपको आने वाली स्पोर्ट्स के बारे में जो अपडेट्स हैं ऊपर वक्त पहुँचते रहें। अपना डेटा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।